हाय व्यूवर्स, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के बारे में इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था, इस लेक्चर में हम जो सेकंड हमारा जो लेक्चर है इसमें हम आपको यही एमएस वर्ल्ड के जो मेन पार्ट है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, मोटे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये इनके, और मैंने यहाँ पर स्क्रीन शॉट ली हुई है ताकि जल्द अज जल्द आपको समझ आ सके। ठीक है, इसमें जो पहला है वो उसे कहते हैं फाइल टैब। फाइल टैब हमारा ये होम इंसर्ट पेज और रेफरेंस मेलिंग, इसको हम कहते हैं फाइल टैब मेन्यू या फाइल मेन्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो टाइटल बार है यहाँ पर जो शो कर आ रहा है, जिस डॉक्यूमेंट पर हम वर्क कर रहे होते हैं जिसका नेम हम बाद में चेंज कर सकते हैं, और उसकी जो शॉर्टकट की है उसे F2 कहते हैं। F2 की मदद से आप डॉक्यूमेंट का जो रीनम है वो चेंज कर सकते हैं। जब हम डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस N से लेते हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट ऊपर शो हो रहा होता है, जिस नेम पर हम जिस शीट पर या जिस वर्ड पर हम काम कर रहे होते हैं उसे हम ये टाइटल बार का नाम देते हैं, जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वन लिखा होता है। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सेव करने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर जो कर्सर शो हो रहे हैं जैसे कि ये कैलपरी फाउंट है, यहाँ पर ये वाले जो कर्सर है इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, रिबन्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, रिबन्स वो होते हैं जहाँ पर ये क्लिप बोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ स्मॉल साइज़ के जो पैराग्राफ होते हैं उन्हें हम रिबन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कॉपी पेस्ट स्पेशल कैलपरी राइट फॉन्ट साइज पैराग्राफ शो हो रहे हैं इसे हम रिबन कह सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर जो फाइंड प्लेस के ऊपर ये वाला जो कर्सर शो हो रहा है जहाँ पर लिखा है F1, इसे हम हेल्प का नाम दे सकते हैं। देखें ये ऊपर लिखा हुआ हेल्प, इसके मदद से अगर आपको कोई मटेरियल के यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि यार हमें पैराग्राफ की समझ नहीं लगी तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और इसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसका भी हम बताएंगे। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर वो होता है जहाँ पर आपका ये छोटा जो तो कर्सर शो हो रहा है, जो पैराग्राफ शो हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये फाउंट और यहाँ पे जो क्लिप बोर्ड है, यहाँ पे जो शो हो रहे हैं इनको क्लिक करने के बाद एक अलहदा से जो फाइल बार होता है वो ओपन हो जाता है। इस पर हमने जो वर्क किया होता है वो शो कराता है, जैसे कि फाउंट की जो जितना भी मटेरियल था वो सेटिंग वगैरह ओपन हो जाती हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, और ये जो नीचे शो हो रहा है जूम कंट्रोल, इसके मदद से हम इसके पेज को ज़्यादा कर सकते हैं और इसके पेज को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कहते हैं जूम कंट्रोल, ये मैंने स्क्रीनशॉट पहले से ली हुई थी। और ये व्यू बटन होते हैं, व्यू बटन से मुराद है कि आपका जो पेज है जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर आपका कर्सर मौजूद है इस वक्त, यानी कि अगर मैं कहता हूँ यार मेरा कर्सर यहाँ पर मौजूद है तो इसकी जो प्रिंट प्रीव्यू लेना हो या अगर आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का बना हुआ है उसकी मदद से जो हम वर्क करते हैं उसे व्यू बटन कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पर हम वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमने कुछ टाइप करना होता है, जैसे कि हम लिख लेते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट दायरे का नाम लिख लेते हैं कुछ भी, उस एरिया जहाँ पर हमारा कर्सर होता है उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है, और यहाँ पर ये शो हो रहा है कि हम इस वक्त तीसरे पेज पर हैं और पांचवें पेज पर हैं और तीसरा पेज और पांचवा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड ज़ीरो है यानी कि कोई वर्ल्ड नहीं अभी हमें लिखा हुआ, तो इस एरिया को जो कहते हैं उसे स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार यहाँ पर शो हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे भी शो हो रहा है कि पेज 101 है, वर्ल्ड ज़ीरो है, इस तरह के जो बार शो हो रहा होता है उसे हम कहते हैं स्टेटस बार। और ये रूलर है जिसकी मदद से आप कोई भी अगर कुछ पैराग्राफ लिखा होता है उसके बारे में बताता है कि यार मैंने इस कर्सर को नीचे लेके जाना है, लेफ्ट टू राइट साइड लेके जाना है, तो आप रूलर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो थी उसका मकसद यही था आपको इनके इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विंडो बताने हैं। ठीक है, मैं दोबारा फिर से आपको बता देता हूँ, इसमें जो पहला है वो क्विक एक्सेस टूल बार है जो यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर जहाँ मैंने अपना माउस का कर्सर लेके गया हूँ। और फाइल टैब यही होता है, फाइल होम इंसर्ट पेल आउट, इसे हम फाइल टैब फाइल मेन्यू भी कह सकते हैं। और इसके बाद ये रिबन्स हैं, रिबन्स आपको नॉलेज होना चाहिए कि जिस जिस फाउंट और पैराग्राफ के अंदर जो कंट्रोल एक्सेस शो हो रहे हैं उसे हम रिबन कहते हैं। ये टाइटल बार है जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट
यानी कि डॉक्यूमेंट कर रही है, नेम वगैरह होते हैं उसे टाइटल बार कहते हैं, और ये रूलर है, रूलर वही होते हैं जिसकी मदद से हम कर्सर को आगे पीछे मूव करवा सकते हैं या पिक्चर वगैरह को, ठीक है। ये हेल्प है, हेल्प की मदद से आप वो यानी कि कोई भी सर्च वगैरह कर सकते हैं जो आपको नहीं आता, समझ नहीं आ रही। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, ठीक है। इनका यही मकसद होता है कि इसकी सेटिंग वगैरह पैराग्राफ की आउट क्लिप बोर्ड की ओपन हो जाती है, जिससे आप वहाँ पर आसानी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे ये स्टेटस बार है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि पेज 101 है, वर्ल्ड 0 है, और जिस एरिया पर हम वर्क कर रहे होते हैं उस जहाँ पर हमारा कर्सर होता है, जहाँ पर जिस पेज पर हमारा कर्सर होता है वहाँ वो कुछ टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं, उस एरिया को हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। ये ऐसे शो करवा रहा है, देख ले। आगे व्यू बटन है, व्यू बटन से मुराद ये है कि आपने जिस डॉक्यूमेंट पर कुछ राइट किया होगा वो आपको व्यू दिखाएगा उसका, जब आप प्रिंट लेंगे, ठीक है। ये जूम कंट्रोल है, जूम कंट्रोल की मदद से हम पेज को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। आज की जो वीडियो का मकसद, आज की जो लेक्चर का जो मकसद था वो हमें आपको ये आगाही देना था कि ये जो मेन पार्ट्स हैं इनका आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या है, ये कर्सर बार है, ये टूल बार है, टाइटल बार है, ये रिबन है, हमारा कर्सर कहाँ था, इस वक्त कितनी फॉन्ट थी ये वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके होम जो सारा टैब है वो सारा इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।